यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब जैसे ये तो हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस अच्छे से आ गया है ना। अब अगर हम बात करें पास्ट की, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में पहचान एक चेंज होगा, रहा था, रही थी, रहे थे आ जाएगा, और जब रहा है, रही है, रहे हैं, रहे, तब वहां पर आप लगाते थे क्या, इज एम आर। लेकिन जब पास्ट आ गया तो यहाँ क्या लगा दोगे, वाज या सॉरी वाज या वर, और वाज या वर के साथ फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। जब प्रेजेंट था, जा रहा है, जा रही है, जा रही है, जा रहे हैं, लेकिन वहां जाना की इंग्लिश गो वाली नहीं है, जाना की इंग्लिश गो वाला जाना नहीं है, तब आप फॉर्मेट लिखते थे इज एम आर प्लस बींग प्लस थर्ड फॉर्म। अगर यहाँ पर था आ जाए तो, यहाँ पर था, थी या थे आ जाए, तब क्या करोगे, प्रेजेंट था तो इज एम आर, पास्ट है, अब क्या रख दोगे, वाज या वर के साथ वर्ब बींग, और इसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म। इसमें भी वैसे रहेगा बिल्कुल भाई, केवल एक ही जगह हिंदी में जैसे पहचान चेंज हुआ, वो चेंज होगा बस। हाँ, और यहाँ हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा। अब मान लो फ्यूचर की बात आ जाए, जैसे आ जाए रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आ जाए, तब आप क्या लगाओगे, बिल भी या तो सेल भी, बिल भी या तो सेल भी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। लेकिन अगर यही आ जाए, जा रहा होगा, जा रहा होगा, जा रही होगी, अगर ये चीज आ जाए तब क्या करोगे, लेकिन वहाँ गो वाला, गो मीन्स जाना, गो वाला जाना ना हो। अब यहाँ पर आपको चलना है किसमें, बिल बी है ना, बिल बी या तो सेल भी, इसके बाद में क्या करोगे, बींग है ना, इसके बाद क्या करोगे, बींग 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 प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन यहाँ आपको बींग नहीं लिखना है ना, बींग ना लिखकर आपको लिखना है गेटिंग। आप पूछो क्यों, एक्चुअल में रीजन क्या है, आप लोग को पता होगा कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनता है। चार टेंस का पैसिव नहीं बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट। अब बिल बी का आप ये नहीं करोगे, बिल बी का बिल बी बींग में नहीं, तो इसलिए यहाँ बिल बी या सेल बी के साथ गेटिंग लगाना, तब थर्ड फॉर्म, बस यही केस आपका चेंज होगा, है ना, समझ में आया। मतलब प्रेजेंट वाली जो सिचुएशन है, अगर वही पास्ट में, अब देखो तीन टेंस में चेंज क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब और हिंदी में पहचान। अगर रहा है, रही है, रहे हैं, देखिए, तब आप इज एम आर के साथ काम करना, ठीक। अगर रहा था, रही थी, रहे थे, देखे, तब आप वाज या वर के साथ काम करना, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, देखे, तो बिल भी या सेल भी, और यहाँ अगर जाना, जाना गो वाला जाना नहीं है, तब वहां पर बिल भी गेटिंग या सेल भी गेटिंग प्लस थर्ड फॉर्म में। समझ में आया, इसे लिखिए, एक सेंटेंस करके दिखा दो, अभी क्लियर हो जाएगा। जी, पहले